FIA एक्शन के बावजूद डॉलर मजीद महंगा, इंटर बैंक में कदर 21 पैसे बढ़ गई, 170.74 रुपए की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की 171 रुपए में ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में फिर मंदी, 100 इंडेक्स में 648 पॉइंट्स की कमी, 43,829 पर बंद। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1350 से बढ़कर 1450 रुपए का हो गया, घी 350, चीनी 120 रुपए किलो में फरोख। महंगाई कब कंट्रोल होगी, शहरियों की दुहाई। ये वो ये भी 370 रुपए के मिल रहे हैं, तो आवाम किस तरफ जाएं? आवाम का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। और जो नई लहर है महंगाई की, हुकूमत को चाहिए कि यार किसके दाम पूरी इकदाम करने चाहिए। चीनी जो है ना 75 की लाता था, अभी आजकल जो है ना 110-115 की बिक रही है। तो ये जो है ना, ये इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीज आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ महंगा हो रहा है। 80 किलो जो है वो 6000 रुपये में फैन चल रहा है, और 85 किलो जो है ना वो तकरीबन 6300 रुपए में चल रहा है। मुश्किलें तो सारे है, जैसा कि अभी मतलब कि परचून का क्या कहें, पहले कोई 5 किलो का डब्बा लेता था, अभी 1 किलो का लेता है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, अवाम अजियत में मुब्तला, सरकार को सारे काम छोड़कर दाम कंट्रोल करना चाहिए। बर वक्त इम्पोर्ट के फैसले होते तो चीनी गंदम समेत दीगर मसाइल ना होते। जहांगीर तरी PTI पर फट पड़े। वजीर आला बलूचिस्तान के लिए नई आजमाइश, हुकूमत के 14 नाराज अराकीन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। गवर्नर से असम्बली का इजलास फौरी बुलवाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा अधूरा, दुबई चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, एक हफ्ते के बाद वतन वापस पहुंचेंगे। दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन, अफगानिस्तान को तन्हा करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। अफरा तफरी और इंसानी बहरान जन्म लेगा। दुनिया को अफगानिस्तान से हर सूरत बात करनी चाहिए। अमरीका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान का मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू। तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई। ऐसे ग्रुपों से बात कर रखे हैं जो सुलह चाहते हैं। हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम की बात करते हैं, किसी मुसल्ला तनाज़े का दोबारा हिस्सा नहीं बनना चाहते। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक क्रिकेट टीमों ने आने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड ने बगैर मुशावरा दौरा मनसूख करके मायूस किया। वजीर आजम इमरान खान। इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी अरब मुल्क ने दबाव नहीं डाला। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत का हल तलब मसला है। तरीना तनाजे को UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। इमरान खान। डॉलर को डील करने वाली 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का ऐलान। अमरीकी करेंसी जखीरा करने वाले 88 अफराद से हिरासत, 47 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। कोरोना वैक्सीनेशन का जाली अंदराज करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नून लीग लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक इंतकाल कर गए। लीगी रहनुमा 5 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। परवेज मलिक पार्टी का कीमती सरमाया, कमी पूरी नहीं हो सकेगी। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। परवेज मलिक का इंतकाल, PDM का इजलास खत्म कर दिया गया। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दोबारा सरबराही इजलास होगा। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एहतजाज होगा। हाफिज हमदुल्ला। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के गोशवारों तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन में फारूक हबीब की दरख्वास्त मंजूर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के जरिए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की इजाजत मिली।
स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी 7, नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं। जियाले और मतवाले खुद गड़े में गिर गए। वजीर मुमलिकत की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत से नई मर्दमशुमारी जल्द कराने का मुतालबा। शफाफ और बेहतरीन हल्का बंदियों के लिए दिसंबर 2022 तक मर्दमशुमारी मुकम्मल की जाए, इलेक्शन कमीशन हुकाम का खत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का स्पीकर भारतीय लोकसभा ओम बिरला को खत। पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदर सत साला तकरीब में शिरकत की दावत। तकरीबात के इख्तितामी सेशन से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 दिसंबर को खिताब करेंगे। कराची समेत सुबह भर में 12 रबी अव्वल पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। 19 अक्टूबर को एक रोज के लिए डबल सवारी मना होगी। दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहसिन पाकिस्तान के इंतकाल पर फजा सोगवार। लाहौर, सादिकाबाद, मियाँ चनू, बहावल नगर, खैबर, लुंडी कोतल और दीगर शहरों में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा। एटमी साइंसदान की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं। डेंगू का जोर बरकरार। पंजाब में मजीद 169 मरीज सामने आ गए। सबसे ज्यादा लाहौर मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटे के दौरान 135 नए केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया का हिफाजती इकदाम पर जोर। ग्रेटर इकबाल पार्क केस, टिकटॉकर और साथी की मुबैना ऑडियो टेप सामने। 6 मुलजिमान से कितने पैसे लिए जाए, ज्यादातर गरीब हैं। रेमो की गुफ्तगू, मुश्किल से इनसे 5-5 लाख मिलेंगे, आशा का जवाब। और यूएफा नेशंस लीग का टाइटल, वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस के नाम। फैसला कुन मार्के में फ्रांसीसी टीम ने स्पेन को 2-1 से शिकस्त दे दी।